नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। होप आप सभी ने नीदरलैंड ट्रिप पार्ट वन को एंजॉय किया है। और आज हम निकल गए हैं कुकेनहॉफ गार्डन के लिए, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहलाया गया है, जहां पे 80 एकड़ एरिया में लगभग 7 से 8 मिलियन टुलिप के फ्लावर हर साल उगाए जाते हैं। तो चलिए आपको भी साथ में लेके चलेंगे और जैसे जैसे होता है वो वाला प्लेस पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हमने हमारा कैंपिंग हाउस बुक किया है, बस उसी से लगभग 25 मिनट्स का डिस्टेंस है कुकेनहॉफ गार्डन का। बस हम निकले हैं और यहाँ पे रिच हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं गार्डन की ओर। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। एक्चुअली ये साल में बहुत मिनिमम टाइम के लिए होता है, तो यहाँ पे जनरली दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे इस गार्डन का एंजॉय लेते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमने टिकट बुक किया था। पर पर्सन यहाँ पे 20 यूरोज़ लगते हैं और 4 साल के नीचे के बच्चे के लिए फ्री है, और 4 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनको 9 यूरो तक लगते हैं। तो चलिए अब हम एक शॉप की तरफ बढ़ते हैं। इसी गार्डन में एक शॉप है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे टुलिप फ्लावर है। आप देख सकते हैं इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने इससे पहले इतना सुंदर ये जो गार्डन, इतना बड़ा एरिया कभी नहीं देखा। ये जो आप इस साइड में टुलिप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये लकड़ी के बनाए हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं ये जो टुलिप सीज़न है ये मार्च एंडिंग से तो मई के मिड तक होता है, और यहाँ पे 8 बजे से सुबह के 8 बजे से तो शाम के 7:30 बजे तक ये खुला रहता है, और रात 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं होती। बस अब अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ में आते हैं, तब सब फ्री होते हैं और बच्चों को भी छुट्टियाँ होती है, तो जनरली लोग वेदर चेक करके ही यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जब सनी वेदर हो तो ये गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। आप देख सकते हैं ये जो पर्पल फ्लावर है ये लवेंडर के है और तो चलिए अब गार्डन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पिंक कलर के टुलिप्स देख रहे हैं आप। सबसे ख़ास बात कि इन लोगों ने हर एक फ्लावर को एक अलग शेप में उगाया है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा गार्डन है। और यहाँ पे आप रेड और ऑरेंज कलर के टुलिप्स देख रहे हैं, जिसे बहुत प्यारे तरीके से उगाया गया है, बहुत लंबे शेप में इन लोगों ने उगाया है। और साथ ही यहाँ पे एक लेक देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज मिले थे हम लोगों को फ्रेश इसी गार्डन में, तो हमने बाय किए हैं। लगभग इनका रेट था 5 यूरो कुछ था, एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज थे। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रॉबेरी इंजॉय करते हैं और फिर इससे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बस उस आगे की ओर आपको और ज़्यादा प्यारे फ्लावर दिखते जाएंगे। आप देख सकते हैं हर एक कलर का फ्लावर था और सच में बहुत ज़्यादा, इतनी भीड़ है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं। हम नीदरलैंड आते हैं तो हमें बात करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक आदमी इंग्लिश जानता है और इस कंट्री के लोग भी, नीदरलैंड के भी लोग इंग्लिश अच्छे से बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। और अब हम ये रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है और इसमें भी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है फ्लावर्स को। और फिर से हम गार्डन की ओर बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी किया जाता है, और ख़ासकर Wait.
ये यहाँ पे जो आपको एक बोर्ड दिख रही है ये खास फोटोग्राफी के लिए है। यहाँ पे लोग नंबर लगाते हैं इसमें फ़ोटोशूट करने के लिए। और ये जो यहाँ पे इस साइड से आप देख रहे हैं ये विंडमिल है और यहाँ पे भी लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा सुंदर है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आराम से बोटिंग भी कर सकते हैं। और फिर से एक शूज शॉप है आप देख सकते हैं। ये जो शू है वो ये लकड़ी के है, ये वॉल हैंगिंग है एक्चुअली में। और आप देख सकते हैं इस साइड में पूरे लकड़ी के शूज़ हैं इन लोगों ने बनाए हैं। और मैं आपको अंदर से भी शॉप दिखा देती हूँ। नीदरलैंड में ये जो लकड़ी के शूज़ है बहुत ज़्यादा फेमस है आप देख सकते हैं। और इस साइड में आपको ये छोटे छोटे लकड़ियों के किचन्स हैं और जो कि ये शूज़ शेप में बनाए गए हैं आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही इस साइड में भी आप देख सकते हैं मैंने जहाँ तक हो ये शॉप को अंदर तो जहाँ तक पॉसिबल हो मैंने आपको ये प्लेस पूरी दिखाने की कोशिश की। अगर आपको ये गार्डन ये प्लेस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।